मैं बिहार की माटी का हूं, गांव के गरीब किसान का बेटा हूं। मेरे घर में कोई जज नहीं है, कोई कलेक्टर नहीं है, कोई कमिश्नर नहीं है, कोई नेता नहीं है। मेरे पिताजी अनपढ़ थे, मेरी माँ अनपढ़ थी, मेरे बाबा अनपढ़ थे, मेरी दादी अनपढ़ थी, मेरे परदादा अनपढ़ थे, मेरी परदादी अनपढ़ थी, मेरे किसी भी चार पुश्त में कोई स्कूल नहीं गया। मैं पहला आदमी हूँ घर से जो 7 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद 8वें साल में जब प्रवेश किया तो झोरा और बोरा लेकर के और दूसरे गांव में जाता था पैदल स्कूल में। गुरुजी बैठते थे खटिया पर, बरगद के पेड़ के नीचे बोरा पर बैठ करके मैंने पढ़ाई शुरू की। और गांव में न सड़क थी, न बिजली थी, न स्कूल था, न अस्पताल था। उस माहौल से निकला हूँ, सेल्फ मेड आदमी हूँ। मैंने जीवन में केवल संघर्ष किया है और संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुंचा। IRS में गया, IPS में गया। मेरे काम करने का तरीका हमेशा, आज जो सुशांत को बताइए, मैं जब बेगूसराय में चतरा में जब मैं था SP, पहली मेरी पोस्टिंग थी, तो मैं भूया लोग हैं, गंजू लोग हैं, जो दलित महादलित शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनके घर में जाता था। मैंने पहली बार गरीबी की परिभाषा जानी, गरीबी क्या होती है, कि साल में 3 महीने तक महुआ उबाल करके खा करके लोग जीते थे। मैं नहीं सोचता था कि ऐसा भी होता है। उस गरीबी को मैंने देखा और लोगों के बीच कम्युनिटी पुलिसिंग की। उसी समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों को लेकर के चलने का मेरे मन में जो संकल्प हुआ, बेगूसराय में 600-800 गांव मैंने युवाओं को संगठित करके और शांति के लिए संघर्ष का नारा देते हुए काम शुरू किया। उस समय बिहार में सबसे टॉप नंबर पर अपराध के मामले में शीर्ष पर बेगूसराय जिला हुआ करता था। और रंगदारी और अपहरण और डकैती हर तरह के अपराध हुआ करते थे। दियारा में भी आतंक था, लेकिन करीब करीब 40 मुठभेड़ें हुई, आप बेगूसराय के लोगों से पूछिए। और पूरी 93 और 94 के जो अपराध के आंकड़े हैं बेगूसराय के, उस पर पहले शोध करिए, शोध करके आप देखिए। फिरौती के लिए अपहरण 0, रोड डकैती 0, पेट्रोल पंप लूट 0, बैंक लूट 0, बड़े ये रंगदारों के बीच में जो गिरोहों के बीच में संघर्ष चलता था वो 0, एकदम वो आंकड़ा देखने लायक है। और बिहार के लोगों को, खास करके मीडिया के भाइयों को, उस पर शोध करना चाहिए क्या बदला था उस समय, क्या बदला था। न पुलिस के पास आधुनिक संसाधन थे, न भवन थे, न गाड़ियां थी, हथियार के नाम पर वही पुराना 303 राइफल होता था, कुछ भी नहीं था। और उस जमाने में अपराधी AK-47 रखते थे, जो अपने मेरे दबाव के कारण घर पर खुद ही AK-47 फेंक कर गए थे। और बिहार के AK-47 की रिकवरी, पहली रिकवरी 93 में वो हमने की थी, जब बिहार में बिहार फोर्स पुलिस के पास भी AK-47 नहीं हुआ था।